बारह हजार के लिए सुबह उठता है, बारिश है, आंधी है, मी है, सर्दी है, पो है, माघ है, धुंध है, किस तरह दुकान पर आएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी का कूलर भरेगा, पानी का छिड़काव करेगा, काउंटर साफ करेगा, सारी अलमारियों को झाड़नी मार के साफ करेगा, उसे पता है मालिक नाराज हो गया, तनख्वाह बंद हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, बारह हजार रुपये देने वाला मालिक नाराज हो जाए, तेरी रोजी पर नौकरी बंद कर देता है। वह मालिक जो जमीन आसमान का मालिक है, अगर वह नमाज के सजदे के इनकार पर नाराज हो गया तो खुदा की कसम तेरी मेरी सांसें बंद करने में देर नहीं करेगा। नई जनरेशन आज खुदा के घर में खुदा को सजदा करने के लिए क्यों नहीं आती? ना अम्मी को नमाज की अहमियत है, माँ कपड़े धोती नमाज कजा कर रही है, किचन के अंदर माँ पिज्जा शवार में बनाती हुई तरह तरह की डिश अपने बच्चों को देती नमाज कजा कर रही है, बच्चों को रोजे की अहमियत किस लिए नहीं? खुदा पाक की कसम, पहले हिंदू पहले ईसाई मुसलमानों से छुप छुप के खाया करते थे, अब पाँच वक्त का नमाज ही दुकान पर बैठ के हंस हंस के खाता है, खुदा की कसम उसे मरना याद कोई नहीं। रोजेदार के सामने बीमार नहीं खाया करता था यार, शर्म आती है, अब तो हट्टा कट्टा पहलवान खुदा की कसम रेडियो के आगे खड़े होकर रोजेदारों के सामने खा रहे हैं, फिर मैं जान लूं ना इन्हें खुदा पर यकीन है, ना मुस्तफ़ा पे यकीन है, ना इन्हें मरने के बाद मेरा अजीज़ो खुदा का सामना करने पर यकीन है। अगर मालिक कायनात ने पूछ लिया, आंखें दी थी, सेहत दी थी, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे इज्जत दी थी, आबरू दी थी, तुझे माल दिया था, औलाद दी थी, शोहरत दी थी, दुनिया में वो दे दिए थे, और बंदे तूने जो मांगा मैंने दिया, मैंने तेरे से एक महीने पंद्रह घंटे भूखा में रहना मांगा, तूने कोई नहीं दिया, जब मैंने मांगा तूने ना दिया, आज मैदाने मासन में सर पटक के दिखा दे, दीवारों में सर मार के दिखा दे, सजदे में जाके दिखा दे, रो रो के दिखा दे, तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, पानी खत्म हो जाएगा, खून निकलेगा, खून खत्म हो जाएगा, पीप खत्म नहीं, पीप निकलेगी, खत्म हो जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या बात है, आज क्यों नहीं मानता? फरमाया जब पांच मरतबा कहा जाता था हय्यालस्सला हय्या वाला, जब पांच मरतबा तुझे बुलाने पर मैं बुलाता था तू नहीं मानता था, आज एक मरतबा नहीं एक लाख मरतबा मुझे बुला, मैं तेरे बुलाने पर आज कोई नहीं मानूंगा, चल। अलामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर में फरमाया 1800 साल तक आसमान की तरफ खुदा के अर्श की तरफ मुंह करेगा और कहेगा या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, फरमाया बोलते बोलते इंसान की आवाज गधे जैसी हो जाएगी, 1800 साल बोलते बोलते गला फट जाएगा, रगे फट जाएंगी, रगों में से खून निकलना कब बंद हो जाएगा, 1800 साल के बाद अर्श अज़ीम से आवाज लगेगी, मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, नॉवल नहीं पढ़ रहा, मेरे जो किसी की आप बीती नहीं पढ़ रहा, किसी का पढ़ाया हुआ सबक नहीं पढ़ रहा, मैं खुदा का कुरान आपको पढ़ के सुना रहा हूं, 1800 साल के बाद आवाज आएगी, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, फरिश्तों इसके मुंह पर मुक्का मारो, हथौड़ा मारकर इसका मुंह बंद कर दो, आज मुझे इसकी आवाज अच्छी नहीं लग रही, आज मैं अल्लाह अल्लाह इसका सुनना गवारा ही नहीं करता, परे करो से यहां से। आज एक मरतबा मेरे अजीजो दुकान पर बैठ के कह रब्बा, वो 70 मरतबा कहता है जी बंदा, कल 1800 साल तक रब रब करेगा तो मेरे अजीजों कोई फायदा नहीं। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौतु फयकूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फअसद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन, फरमाया मेरे बंदे मौत से पहले पहले कुछ खर्च कर ले, मौत से पहले पहले कुछ अल्लाहु अकबर आगे दे, क्या बैग में दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, गली के ईसाई चूड़े को दे रहा है, म्यूनिसिपल कमेटी में दे रहा है, दुकानों का किराया दे रहा है, और बंदे कुछ मुझे भी तो दे क्या, कल तुझे देने की कदर पता लगेगी, जब मालिक के कायना तुझे देने वालों का जर बताएगा, देने वालों का एजाज बतलाएगा, देने वालों का परवरदिगार आलम तुझे शान दिखाएगा, कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, फसद्दका वकुम मिनस सालिहीन, परवरदिगार आलम ना सजदे से सर उठाऊंगा, ना माल की अपने पास रख के दिखाऊंगा, जितना माल होगा सारे का सारा दे दूंगा, अल्लाह दोबारा 70 साल की जिंदगी दे दे, तेरी किबरियाई की कसम मैं सारी जिंदगी सजदे में गुजार के आ जाऊंगा। वलई वखीर अल्लाह नफ्सन इजा जा जलवा, काम तमाम हो गया, क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रू निकल गई, हाथ फट गई आग के पास कस के तेरे अंदर से, अल्लाह अकबर मेरा अजीज़ो रू निकाल रहा है, और लोगों यकीन नहीं आता मरने का, तो वो कमरा
इदारे के बानी मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी नव्वर अल्लाह मरकदू जिंदगी के 50 वरे मिंबर पर बैठ के कुरान की तफसीर सुनाते रहे। जब जनाजा इस मेन गेट से बाहर चला गया तो मुझे बताओ कि मिंबर पर बैठने वाले ख़त्म हो गए। कोई एक नमाज बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ी गई हो, एक जुमा पढ़ाओ जो बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ा गया हो। दुकानें किसी की बंद नहीं होती, मकान की का दरवाज़ा नहीं लगता, मेरे अजीज़ रेड़ी वाले की रेड़ी चलती रहती है। नहीं यकीन आता मर के देख ले, आज तेरी दुकान पर बेटा खड़े होने को तैयार नहीं, तेरा जनाजा उठने की देर है। चार बेटे दुकान पर बैठने के लिए झगड़े करेंगे, सारे आ जाएंगे। अभी जनाजा जनाजगाह की तरफ जा रहा होगा, उधर मेरे अजीज़ चार तकबीर नमाज है जनाजा, मौली साहब कहेंगे नियत कर लो जी। सारे मेरे अजीज़ खड़े होंगे, अक्सरियत को नवाजे जनाजा नहीं आएगा, अक्सरियत उसमें तेरे बेटे भी होंगे, तेरा मामा भी होगा, तेरा ताया भी होगा, तेरा भांजा भी होगा, तेरे रिश्तेदार, तेरे दामाद, तेरे भिनोई भी होंगे जो हाथ बांध के खड़े रहेंगे। मैंने ऐसी रिश्तेदारी का क्या करना जो रिश्तेदारी मेरे पर अल्लाहुम्मा फिल हयना व मैतना पढ़ने को तैयार कोई नहीं। ये वही लोग हैं जो तुझे देख के कहते थे हाजी साहब हाजी साहब कितने चले गए सी, तुसी नजर नहीं आए, कहीं प्रदेश चले गए सी, धी कोल चले गए सी। ये वही यार है जो जनाजा पढ़ के मेरे अजीज इतनी जल्दी भागेंगे, ये तुझे कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर छोड़ने के लिए भी नहीं आएंगे। चल सारे छड़ के चले गए। और आपने देखा होगा जनाजा पढ़ने के लिए 2000 आदमी जाता है, दफनाने के लिए 4 आदमी खड़े होते हैं, 5वां आदमी आता कोई नहीं। इतनी तेरे से बेवफाई करेंगे ये तुझे कब्र में डालने के बाद ये अपने हाथों से कब्र पर तेरी मट्टी भी नहीं डालेंगे कि इनके हाथों पे डस्ट ना लग जाए, जरा सीम ना लग जाए। यूँ हाथ बांध के खड़े होंगे, नीचे मुँह करके खड़े होंगे, तेरा बेटा रोएगा, अंदर बेटी रोएगी, उधर बीवी रोएगी। ये ऐसा वफादार है, ये फूल पे फूल सुनेगा हुनी आया हुनी आया। इसकी वफादारी के लिए मैं क्या करूँ, ये तेरी कब्र के ऊपर खड़े होके एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल्लु अल्लाह पढ़ने के लिए भी तैयार कोई नहीं। उधर जनाजा कब्रिस्तान के अंदर रखा होगा, बड़ा बेटा फोन करेगा अरे रोटी आ गई जी आ गई, बुढ़िया शुरू करा दो जी बुढ़िया शुरू करा दो। अच्छा भी की होया, ओ जी औरत रो रो के थक गई ना, न्याणे ने छोटे छोटे बच्चे ने, कराओ कराओ शुरू कराओ कराओ शुरू। अभी अंदर बड़ा अभी अंदर नहीं गया, रोटी शुरू कराओ। पीर महल के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से खाना पक गया आएगा, सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर। ये तेरी फुप्पी, ये तेरी मामी, ये तेरी खाला, ये तेरी मासी, ये तेरी बहन जो तेरी चरपाई को पकड़ के खींच रही थी, से दुपट्टे जुत्ती का पता नहीं था, और खुदा से शिकवे करके कह रही थी अल्लाह इनू ना लेके जाता मैनू ले जाता, बाल फाड़ फाड़ के ए अल्लाह मेरी उम्र इनू क्यों नहीं लग गई, ए अल्लाह इनू तू नजर आ ए नजर आया मैं तेरू नजर कोई ना ही। ये अंदर बैठ के कहेगी थोनू पता नहीं मैं चोल नहीं खाधी, मैं शुगर दी मरीज हाँ, मैंने होटल तो रोटी मंगा के दो का गम। हजरात एक जरूर ऐलान सुने, कल सुबह 8:30 फला फला मरहूम के लिए जामे मस्जिद उस्मानिया में कुरान खानी की जाएगी। रब अकबर की कसम है जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर एक को पता है 8:30 बुलावा 11 बजे दुआ है। मेरे अजीज़ खुदा की कसम 11:15 से पहले कोई तेरे लिए दुआ करने के लिए नहीं आता कि पहले जाऊँगा, मुझे गठली के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, कलमा तैयबा पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुबारा पढ़ के तुझे याद करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ इतनी जल्दी आता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर सबसे पहले आएगा, यार पानी तो ठंडा रख लेना सी, तब नहीं पता लुका नहीं आना है। अल्लाह अकबर प्लेटों की खड़खड़ चलेगी, चावलों में चमचे छड़खड़ कहेंगे और चमची नहीं। ये अल्लाह अकबर सगा यार सगा यार सगा, जो तेरे से उधार लेके कारोबार करता था वो कहेगा भतीजा चमची कोई नहीं आएगी, कोई नहीं तेरी याद करेगा। ये मौलवी बदरसीब अल्लाह जी उसको माफ कर दो, अल्लाह जी उसको माफ कर, ये बेचारा मौलवी लगा रहेगा, बाकी कोई नहीं करता। असर के बाद कुरान खानी होने जी नहीं, शाम पै जाएगी इसी घर भी जाना है, बच्चे छड़ के आए पहले टाइम रखो जी, पहले टाइम
प्लाजा तुम्हारा पीर महल के अंदर, मार तुम्हारा पीर महल के अंदर, कपड़े की दुकान है तुम्हारी पीर महल के अंदर, जूते की दुकान है तुम्हारी पीर महल के अंदर। हम महाजिर हो गए, हम इंडिया से माइग्रेट करके आए, हमारे यहाँ मेरे अजीजों अल्लाह अकबर ये रवाज है, बाप मर जाए तो माँ के खानदान से, मामों के घर से कफन काठी आती है, पहली रोटी उनके घर से आती है। इस नामुराद औलाद का मैंने क्या करना, चार चार तीन तीन लाख रुपए बच्चा महीना कमाता है, लेकिन उसकी कमाई का क्या फायदा, वो मामे का इंतजार कर रहा है, 3000 रुपए का बाप को कफन नहीं दे सकता। चार पेटियां घर के अंदर पड़ी हैं, खेस घर के अंदर पड़े हैं, कंबल मेरे अजीजों दुबई के पड़े हैं, कंबल ईरानी कंबल घर के अंदर पड़े हैं, लेकिन आज ये इतना बेबस है जो पंचायतों का फैसला कराया करता था, आज इतना बेबस है जो अपने इलाके का बड़ा था, आज इतना बेबस है ये जानवरों की तरफ भी घूरता था तो जानवर मुँह मोड़ के बैठ जाया करते थे, इसका इतना रोब दब दबा हुआ करता था कि बेटी भी सावड़े से और बच्चा तो दौड़ ही जाता था, अब्बा आ गया, बीवी तो डर के कमरे से बाहर निकलती थी, माँ भी बात करते घबराती थी, अब्बा भी तेरे सामने कुछ कहता हुआ डरता था, पुत्र चिड़क ना दवे। आज ऐसा बेबस होकर पड़ा, फरिश्ते ने थप्पड़े मार मार के खुदा की कसम लिटा दिया, पोटी पिशाब निकला पड़ा है, आज तेरे 7 बच्चों में से तेरी कोई पोटी पिशाब धोने के लिए भी तैयार नहीं, तेरी जो कपड़ा तेरे दल से उतरा जूतियों से परे करेंगे उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा, नहीं यकीन आता, मर के देख ले, अभी तेरा जनाजा अंदर पड़ा होगा, जो जिन कपड़ों में तेरी मौत आई वो कपड़े दहलीज से बाहर पड़े होंगे, ना भाई पहनने को तैयार, ना बेटा पहनने को तैयार, जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरी सगी बेटी वह परिवार के तेरा उतरा हुआ जोड़ा उठा के कचरे के ढेर पे फेंकेगी, जिस साबुन से तुझे गुसल दिया जाएगा वो साबुन तेरी बीवी इस्तेमाल नहीं करेगी, तेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करेगी, जिस लोटे से तेरे पे पानी डाला जाएगा अल्लाह की कसम तेरे घर वाले वो लोटा इस्तंजे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतनी बेवफाई। जिस चरपाई पर तेरा इंतकाल मेरा इंतकाल होगा उस चरपाई पर मेरी सगी भी लेटने के लिए तैयार नहीं, मेरी अम्मी भी हाथ लगाने को तैयार नहीं, मेरा अब्बा भी हाथ तोड़ के चला गया, जिस चरपाई पे बेटा मरा वो चरपाई भी घर से बाहर, वो बिस्तर भी घर से बाहर, तो जिस प्याले जिस गिलास में वो भी थैली में बांध के, अल्लाह फरमाएंगे इसके लिए पीछे पीछे भाग, इससे पुत्र दुआ, इतनी बेवफाई के दुआ के लिए भी मस्जिद के अंदर बुलाया गया कि बोली साहब दुआ कर दो, अल्लाह अकबर हमारी इतनी भी तौफीक नहीं कि हम अपने बाप के लिए माँ के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकें। और मेरे अजीजों मई का अप्रैल का महीना है, जब से रोजे शुरू है बताओ कौन कितनी मरतबा कब्रिस्तान गया, कोई जुमे के जुमे गया, कोई रोजाना, तो साल हो गया कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए, 4 बेटों को माँ की कब्र पे जाने की तौफीक नहीं मिली। ओ भाई अल्लाह ने अकल नहीं दी मेरे चांद, इन 4 दिनों के अंदर अल्लाह की कसम मैंने 2 ट्रालर के और 1 कोच का ऐसा एक्सीडेंट देखा, तोबा तोबा तोबा, जो ड्राइवर 4 घंटे बाद कहता था बोली साहब कहीं रेस्ट एरिया पे 10 मिनट बाद 10 मिनट वहां खिला दो, 19 घंटे परसों, 19 घंटे परसों, 19 घंटे टंडुअलायार हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर, परसों रात में 2 बजे वहाँ दुआ से फारिग हुआ, उससे 1 दिन पहले कराची में, उससे 1 दिन पहले शक्कर में, मैं 4 दिन में 3 सूबे होके आ गया। मेरे अजीजों 19 घंटे अल्लाह की कसम गाड़ी चलाता रहा, वो मैंने कहा सो जा कमली साहब, चेहरे मैंने ऐसे पिचके देखे मेरी नींद उड़ गई, वो टंडुअलायार से 19 घंटे रात 2 बजे चला, अगले दिन 5:30 बजे पसरूर पहुँचे, हल्लोवाल नारोवाल के पास कल पहुँचे, अल्लाह की कसम न मुझे मुझसे तकरीर हुई न ड्राइवर को नींद आई, कहने वाली साहब असी भी रोड ते पै गए थे साडा की बनेगा, अगला पिछला कोई नहीं, अल्लाह अकबर, गाड़ियां नहीं ऊपर, मर्द मरने वाले जख्मी नीचे, आए आए कर रहा था, अल्लाह अकबर कोई नहीं। पिछले दिनों मैं पिंडी से मेरे अजीजों बयान करके आ रहा, एक जुम करके मेरे अजीजों गाड़ियों गुजरी, डूंगे बूंगे जुम करके गुजरी और ठा, मेरे ड्राइवर को कहा, मैंने कहा क्या हुआ, सारी गाड़ी ट्राले के नीचे ही चली गई, अल्लाह वो इतने इतने बच्चों की सिसकियाँ रोना। मेरे अजीज अल्लाह की कसम मौत रोजाना अपना चेहरा दिखा के जाती है, ये कैसा है 20 साल के बाद कहता देखा देखा लगता है, मौत को रोजाना देखता है फिर भी मौत से वाकिफ कोई नहीं। मौत ना आती खुदाए पाक की कसम, नहीं आती तो सारे नबियों के सरदार पर ना आती,
जब सहाबा हुजूर की तदफील के बाद अल्लाह अकबर हुजरा आयशा से बाहर आए, सामने तो मकान था अम्मा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। बेटियां बेटियां ही होती हैं मेरे अजीजो, इस बेटी को करार ना आया, लबी की नबी की लखते जिगर बिदअतु मिलनी फातिमा, जिगर का टुकड़ा फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, हसन हुसैन की अम्मी फातिमा, अली की घर वाली खा फातिमा, खदीजा की लखते जिगर मोहम्मद, अरबी की नूर नज़र फातिमा, अर्श वाले भी हया करें, फर्श वाले भी हया करें, वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल पूछ के आए, वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी आकर हया करे, बाहर खड़ा गिलदर आने की इजाजत मांगे, रब्बे काबा की कसम वो फातिमा पर्दे को खड़ी ला रही है। हजरत अनस गुजरे, कहने लगी वीर अनस इधर आ, बिलाल गुजरे भाई बिलाल इधर आ, हजरत अबू हुरैरा गुजरे चचा अबू हुरैरा इधर आ, तू तो 24 घंटे दर नबूवत पे पड़ा रहता था अबू हुरैरा, तू तो घर नहीं जाता था, 24 घंटे पानी नहीं पीता था, रोटी नहीं खाता था, तू तो हर वक्त पड़ा रहता था अबू हुरैरा, तू को कलेजा कहाँ से लेके आया, वो दिल कहाँ से लेके आया कि अपने सामने ही अपने अल्लाह अकबर, अपने सामने अपने पेशवा रहनुमा सारे नबियों के सरदार की कब्र पे मट्टी डाल के आ गया। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो के दिखाया। हजरत अली कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, जनाब नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में सैयदा फातिमा ने 6 महीने में कभी हंस के नहीं देखा। इतनी सी इन्नी जी फिक्र कर लिया करो, इतनी सी कि बस मैंने जाना है, रोजाना मुराकबा करो, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, वो मलकुल मौत आ गया, आंखें बंद हुई मेरे यहाँ दर्द हो गया, आंखें बंद हुई मलकुल मौत ने आके अपना चेहरा दिखाया और मैंने करवट लग ली, मैंने कहा है बीवी ने कहा की होया, अल्लाह अकबर, मलकुल मौत कहने लगा ले होया नहीं होवन वाला है, होया नहीं होवन वाला है, यही है ना तू लड़ लड़के मेके जाया करती थी, यही है ना जो कपड़ों की सिलाई पे लड़ी, यही है ना जो अल्लाह अकबर ईदी पे लड़ी, यही है ना अल्लाह अकबर जुत्ती नहीं आई लड़ी, अब तू रोएगी सर पटक पटक के रोएगी, औरतों के गले लग लग के रोएगी, दीवारों में सर मार मार के रोएगी, दुनिया तुझे झल्ली कहेगी, दुनिया तुझे पागल कहेगी, वो गया अल्लाह अकबर, वो ऐसे खड़ी होगी कयामत की सुबह तक इंतजार कर, रब अकबर की कसम जाने वाला कभी वापस कोई नहीं आया। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة غیب پر ایمان مرنا ہے آنکھیں بند کر کے روزانہ رات کو اوہو یہ ملک الموت آ گئے یا کہ میری سنگی مروڑ دی میری روح نکلی میری رال ٹپکی وہ بیٹی دوڑتی آئی जज़ाकअल्लाह वो बेटी दौड़ती आई अबू अबू अखा खोल अबू अखा खोल अबू जी बोलता क्यों नहीं अबू जी वेखता कोई नहीं अबू कहता है मलकुल मौत ने यहाँ से पकड़ रखा है मुझे सांस लेने की इजाज़त नहीं देता मलकुल मौत छोटी सी बच्ची की तर्स का मुझे बोलने तो दे जवाब तो देने दे जवान बीवी की तर्स का अल्लाह अकबर वो मेरी बुढ़ी माई कहती हाय हाय की हो गया इस पर तो तरस खा ले एक मरतबा तो माँ के साथ बोलने दे माथा चूं चूं के अब्बा कह रहा यार तू तो मेरी कमर ही तोड़ के चला गया यार तू तो हंसदा बेड़ा घर उजाड़ के चला गया तेरे बाद मेरा सारा कौन बनूंगा फरिश्ते से कहा मुझे आँख खोल के बाप को देखने दे फरिश्ता कहता खबरदार अल्लाह अकबर मैं तुझे आँख खोलने की भी इजाज़त नहीं देता एक टांग मेरी है एक मेरी सीधी मैं कब्रिज तो सीधे तो लेने का खबरदार ऐसे हुक्म हुआ मैं तुझे लेके जाऊंगा रोटी का लुकमा मुंह में मैंने कहा मुझे चबाने तो देखा हाँ खबरदार मुझे हुक्म है कि सज्जी तरह लुकमाए बंचित बो लेना मैंने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा मैंने कहा पीने की इजाजत दे कहता खबरदार एक घूंट पीने की इजाजत थी दूसरा गिलास में इजाजत कोई नहीं किस चीज़ पर मेरे अजीज़ो फिक्र बेफिक्र होकर बैठे किस चीज़ पर इतरा के बैठे ये कीड़ों ने खाना है अगर ईमान की हालत नहीं गई खात्मा ईमान पर ना हुआ कीड़े खुदा की कसम हड्डियाँ निकाल के बाहर फेंक के रख देंगे रोटी पर से हम दांतों से गोश उतारते हैं रख देगा हमारी खाले उतार के रख देगा ये कब्र जब बीचेगी अपना आप दिखाएगी अल्लाह अकबर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए आपने फरमाया ठीक है अल्लाह के नबी जरूर है लेकिन कब्र के अंधेरे ने मैं मोहम्मद को भी बूढ़ा कर दिया है
नमाज नूर है, नमाज घर का सुकून है, नमाज रिज़्क़ में बरकत है, नमाज चेहरे, नमाज मोमिन की हया है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज कामयाबी दिलाती है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, नबी अलैहिस्सलाम के ओहदे कौसर पे खड़े करने का जरिया है, जन्नतुल फिरदौस में जाने का जरिया है, अर्श के साए का जरिया है, दुनिया की कामयाबी का जरिया है, दुनिया के अंदर रिज़्क़ की फरवानी का जरिया है, बीमारी से शिफा का जरिया, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, ओ मेरा बंदा दर दर ठोकरे खाने से बेहतर है एक मरतबा सुभान रब्बिल आला कहना, तेरा काम है अपनी सारे खजानों का रुख तेरे कदमों की तरफ मोड़ देना, मैं खुदा का काम है। सबसे वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो मैंने दिया जब मैं ये मांगते हैं मैं इनकार नहीं करता। अल्लाह कितने बेवफा हो, तुम कहते हो मट्टी से दे मैं इनकार नहीं करता, मैं कहता हूं जेब में से दे तो इनकार कर देता है। तो कहता आसमानों से दे, मैं कहता हूं मैं इनकार नहीं करता, मैं कहता हाथ से दे तो मुट्ठी में लेके बैठा है, नहीं देता, मुझे नहीं देगा तो किसे देगा, बेटे को देगा नतीजा नहीं निकलेगा, बीवी को देगा तुझे हिसाब नहीं देगी, रिश्तेदारों को देगा, खानदान को देगा, मुलाजमों को देगा, कोई हिसाब नहीं देगा, मुझे दे मैं क़यामत के पूरा पूरा तुझे हिसाब दूंगा। लगाया था ना बेवा के घर राशन दिया था ना, 2 किलो आटे की थैली दे के आया था ना, 1 किलो घी की थैली दी थी ना, को दी थी, मुझे दी थी मुझे, अल्लाह तुझे कैसे, वो तो दरवाजे पर आया उसके कपड़े भी फटे थे, जुत्ती भी टूटी थी, लेकिन बंदा देख उसने अपना आप नहीं दिखाया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे, तूने उसे नहीं दिया तूने मुझे दिया, मैं घी नहीं खाता, मैं चीनी नहीं खाता, मैं घी नहीं इस्तेमाल करता, मैं आटा इस्तेमाल नहीं करता, तूने मेरे बंदे को नहीं दिया मुझे दिया, जब मेरे बंदे के तेरे हाथ से मेरे बंदे के हाथ में जा रहा था मैंने उसी वक्त वादा कर लिया था, फरिश्तों जरा इसका स्क्रैच ले लो, फरिश्तों इसका नक्शा ले लो, इसकी मूवी बना लो, इसने मुझे गिरी हुई चीज दी, मैं कयामत के दिन वो दूंगा कि जन्नत की नेमत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। या इब्न आदम, जब मैं मांगू तू इनकार ना कर, जब तू मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, तू मेरे घर में लेने के लिए आ, मैं तेरे घर में देने के लिए आऊँगा, तो बिस्तर मर्ग पे मांगेगा मैं वहाँ दूंगा, तू अस्पताल में, तू सवारी में, तू शहर में, करिया गाँव में मैं मांगूंगा। ओ बंदे जब मैं मांगू अल्लाह अकबर, तू एक मांगे मैं 10 दूंगा, मैं एक मांगू तू इनकार ना करना, बंदे अदला बदला कर ले। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के सरकार मदीना के पास बैठे कान में कह रहे अल्लाह मेरा नबी और मेरा पैगंबर अपने अल्लाह से कह बस कर दे, वो मुझे कुछ नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने आसमान की तरफ इशारा किया, जिब्राइल की दौड़े लग गई, अल्लाह अकबर सिदरतुल मुंतहा से नीचे कौन आया, इन्नहू लकौलु रसूलिल करीम ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श वकीन मुताइल थम्मा अमीर, कमली वाले ये तेरे से कह रहे कि उसे कह देना बंद कर दे, वो कह रहे तू मुझे देना बंद कर दे। अल्लाह अकबर, ऐ उस्मान जब मैं मांगता हूं तू देता है, तू मांगे मैं तुझे क्यों ना दूं। ऐ उस्मान, अगर रियारी तोड़नी है, अगर पार्टनरशिप खत्म करनी है, अगर शराकतदारी खत्म करनी है, फिर मैं मांगू तू ना दिया कर, तू मांगेगा मैं नहीं दूंगा। उस्मान, जब मैं मांगता हूं तू तन के कपड़े दे देता है। अल्लाह अकबर, जब तू मांगता है मैं अपने सारे खजानों का रुख तेरी तरफ मोड़ देता हूं। ये उस्मान ने मेरे साथ यारी लगा रखी है। ओ मेरे दोस्त, अल्लाह से पार्टनरशिप कर लो, अल्लाह से कारोबार कर लो, कभी कारोबार के अंदर नुकसान नहीं होगा। क्या कारोबार, ए अल्लाह मेरी पूरी कमाई का 5वां हिस्सा तेरा, पूरी कमाई का 10वां हिस्सा तेरा, अल्लाह 10,000 कमाऊँ 1,000 तेरा। अल्लाह बरमाते फिर सिक्योरिटी गार्ड, फिर कैमरे लगाने की जरूरत कोई नहीं, फिर चौकीदार, फिर गन रेफर रखने की जरूरत नहीं, 1,000 रुपये पर ऐसी सिक्योरिटी दूंगा, ऐसी फांसी दस्ते भेजूंगा मेरा बंदा। अल्लाह अकबर, अपने माल को दरवाजे खोल के सो जा, दरवाजे खोल के अपना माल सामने रख के सो जा, मुझे मेरी रियाई की कसम है, चोर तो दूर की बात, मैं तेरे दरवाजे पर शैतान को भी आने नहीं दूंगा। करो तो अल्लाह से सौदा। वल्लदीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, अभी इन्होंने पढ़ा था,
वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अभी उन्होंने पढ़ा था अलम नशरह लक सदरक, अभी पढ़ा था वत्तीन वज़ैतून, अभी पढ़ा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अभी पढ़ा था इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अभी पढ़ा था लम युकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब, अभी पढ़ा था इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ाला الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقُرْآنٌ تَرَى بَيَانَ كَرْنَے پہ قربان اللہ اکبر اذا زلزلت الجب مردے قبروں میں چلے جائیں گے پھر جھٹکا دے کے زمین کو ہلائیں گے پھر آسمان سے 40 سال بارش برسائیں گے واخرجت الارض اثقالها آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مرنے والے تک جو بھی قبر میں پڑا ہوگا واخرجت الارض اثقالها ایسے پانی میں تیرے گا جیسے تنکے تیرتے سارے باہر نکال کے رکھ دیں گے وقال الانسان مالا يوم ان تحدث اخبارا بان ربك وحالا يوم يوم اذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى انني ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى کسی کو آنکھ ماری وہ بھی بتا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کو سیٹی ماری وہ بھی بتا دیا چپکے سے اللہ اکبر کسی کے لیے دعا کر دی وہ بھی بتا دیا اللہ یا اللہ اے میرے اعمال نامہ نہیں اے اللہ یہ جھوٹ ہے یا اللہ جھوٹ ہے میری کوئی نہیں میری کوئی نہیں اللہ کہ چپ کر ہونٹ سی دو تروپے لگاؤ ٹانکے سٹیچنگ کر دو یہ بولتی ہے نا کان کبھی بولتا ہے ناک آنکھ بولو پیر پیر بولا کبھی ہاتھ اللہ یہاں سی دیں گے آج وہ بولے گی جو چلا کرتے تھے آج وہ بولیں گے جو پکڑا کرتے تھے آج وہ بولیں گے جو دیکھا کرتے تھے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ یہ بولیں یہ لکیروں والی ہتیلی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پیر کی تلیاں جب یہ بولیں گی کہو چپ 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 یہ کیا ہو گیا پیر بولیں گے اللہ میں گواہ ہوں وہ کہے گا میں تو تمہیں ایڑیاں بج بج کے میں تمہارے اللہ اکبر وہ کریم میں رگڑتا تھا ایڑیاں صاف کرنے والی موزے پہنتا تھا چمڑے کے تمہیں کتنا بچایا گارے سے پانی سے گندگی سے بچایا تو ہی میرا بخالی ہاتھ کو گیا شرم نہیں آتی رشوت رشوت کا پیسہ 5,000 کی گڈی پکڑتا تھا تیرے ہاتھ میں تھی نا شرم تو نہیں آتی یہ بولیں گے پھر کیا کرے گا دیکھو میری طرف دیکھو قرآن نقشہ بیان کرے یہاں تک ہاتھ کو نہیں تک اندر چلا جائے گا کہے گا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصا ووجدوا ما عملوا حاضرا اوئے چپ کر دو اے اللہ کون تھا بند کمرہ تھا روشن دان کھڑکیاں چٹخنیاں تالے لاک لگا ہوا تھا یا آٹومیٹک لاک تھا کون تھا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا اتنا بڑا گناہ جس نے سارے کا سارا کھول کے رکھ دیا پھر اعلان ہوگا تجھے پتہ نہیں تھا تو اکیلا تھا دوسرا تیرے ساتھ میں ہوتا تھا تم دو تھے تو میں تیسرا میں تم تین تھے تو چوتھا میں ہوتا تھا تجھے کہنا تھا یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لے گیا اتنا بڑا رجسٹر اے کی جی یہ تیری کار گزاری تیری حاضری تو کہے گا جی میری کوئی نہیں اللہ فرمائیں گے میں نہیں پڑھوں گا جبرائیل نہیں پڑھے گا میرا محمد نہیں پڑھے گا صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ پڑھ ذرا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسہ فمن یعمل مثقال ذرۃ کیڑا سیڑھا لکھدا سی کوئی نظر نہیں یہ کون تھا ادھر میرے عزیز و کرام الکاتبین یہ کھڑے ہیں دو رات کے اندھیرے میں بھی لکھتے ہیں انہیں نک کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں خوردبین کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی راتوں کا جو سجدہ تہجد میں وہ چپکے سے رونا وہ آنسو کا بہانا یہ بتائے گا اللہ اتنے آنسو گرے تھے یہ بتائے گا اللہ اتنے قدم گناہ کی طرف چل کے گیا تھا یہ بتائے گا یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک قرآن پر یقین قرآن پر اگر قرآن پر یقین ہوتا ہر ایک کے سینے میں قرآن ہوتا ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوتا قرآن الماری میں نہ ہوتا میرے عزیزو قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ
और कुरान को जानने की कोशिश न करना ये उससे बड़ा कबीरा गुनाह। हाजी साहब भी मुलव्विज़ है, कारी साहब भी मुलव्विज़ है, कुरान का पढ़ा हाफिज भी। मौलवी साहब दुआ करो जी मेरा पुत्र कुरान का हाफिज बन जाए। या अल्लाह इनके बेटे को कुरान का हाफिज बना दे, अल्लाह इसके बेटे को कुरान का हाफिज बना दे। अल्लाह ने कहा बना दिया, अगे भी तो मांग।